Hi everyone, in today's video we will study about umbrella and flagship species. आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अम्ब्रेला और फ्लैगशिप स्पीशीज़ क्या होती हैं. अम्ब्रेला स्पीशीज़ आर द स्पीशीज़ हुज कंजर्वेशन प्रोटेक्ट्स अदर स्पीशीज़ इन द इकोसिस्टम. अम्ब्रेला स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं, अगर हम उनका कंजर्वेशन कर लें तो हम उस पूरे इकोसिस्टम का कंजर्वेशन कर लेंगे. There are certain species which are very important in a particular ecosystem and whose conservation leads to conservation of their ecosystem are called umbrella species. Umbrella species वही species होती हैं जो बहुत important होती हैं, अगर हम उनका conservation करें तो पूरे ecosystem का conservation कर लेंगे. जैसे umbrella जो होती है हमें धूप और बारिश से बचाती है, वैसे ही जो है अम्ब्रेला स्पीशीज़ का प्रोटेक्शन करने से पूरी एरिया की स्पीशीज़ का प्रोटेक्शन हो जाता है. जैसे मैंने आपको बता दिया, एज अम्ब्रेला प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम सन एंड रेन, द अम्ब्रेला स्पीशीज़ प्रोवाइड प्रोटेक्शन ओवर अदर स्पीशीज़ फ्रॉम बीइंग एक्सटेंड बाय प्रोवाइडिंग अम्ब्रेला लाइक प्रोटेक्शन. ओके, and umbrella species are usually large animals and have a large area requirements on which many other species depend. umbrella species क्या होते हैं जो है इसमें ज़्यादातर large animals आते हैं, like tiger. इसका एक example है tiger. जैसे tigers need large forest to survive and by saving tiger and their habitat we will save other animals. Tigers are important for the balance of ecosystem as they control prey population. जैसे इसका example है tiger. अगर हम tiger का conservation कर रहे हैं तो हम उस पूरे habitat का conservation करें. Next term है flagship species. जैसे कि आपको पता है कि flag जो है एक particular country को represent करता है, वैसे ही flagship species जो होती हैं वो एक symbol की तरह काम करती हैं. जैसे फ्लैगशिप स्पीशीज़ जो हैं एक्ट एज एन एम्बेसडर और सिंबल ऑफ अ डिफाइंड हैबिटेट कंपेन और एनवायरमेंटल कॉज टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ पीपल फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. सो अगर हम फ्लैगशिप स्पीशीज़ का भी कंजर्वेशन करें तो हम उस पूरे हैबिटेट या इकोसिस्टम का कंजर्वेशन कर रहे हैं. सो इसके कुछ एग्जांपल हैं द बंगाल टाइगर, पैंथरा टिग्रिस, ये अम्ब्रेला स्पीशीज़ में भी आता है. अनदर एग्जांपल इज़ एशियन एलिफेंट, एलिफस मैक्सिमस एंड द जाइंट पांडा. जैसे पांडा जो है एक जहाँ जिस रीजन में पाया जाता है वो उसको रिप्रेजेंट करता है. अगर हम उसका कंजर्वेशन कर दें तो लिटरली हम उस पूरी एरिया का कंजर्वेशन करें. एंड इट इज़ द नीड ऑफ आर टू कंजर्व दीज रिसोर्स दीज स्पीशीज़ एंड इफ़ यू डोंट कंजर्व दे एक्सटेंड फ्रॉम आवर प्लैनेट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फ्लैगशिप एंड अम्ब्रेला स्पीशीज़. थैंक यू.